सिस्टली और डायस्टली कार्डिक साइकिल के दो बड़े बड़े हिस्से हैं। डायस्टली बेटे अगर रेस्टिंग हार्ट रेट है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप एट रेस्ट हो, इस सिचुएशन में आपका जो हार्ट है वो 2/3 टाइम डायस्टली में रहेगा और 1/3 ऑफ द टाइम सिस्टली में रहेगा। तो यानी दूसरा कहने का तरीका इसको ये है कि ज्यादा टाइम ये रेस्टिंग में या फिलिंग में इस्तेमाल करता है और कम टाइम ये कॉन्ट्रैक्शन या इजेक्शन में इस्तेमाल करता है। तो अगर हमने कार्डिक साइकिल को अच्छी तरह पढ़ना है तो हम एक दोनों में से एक वेंट्रिकल को हम पकड़ के बैठ जाते हैं, उसको रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं पढ़ने में आसानी से, ठीक है, पढ़ने की आसानी के लिए। वो चूज यूजली किया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, उसने पूरी बॉडी को सप्लाई करना होता है और वो ज्यादा, क्योंकि ज्यादा प्रेशर उसको जनरेट करना पड़ता है, तो उस सिलसिले में सबसे ज्यादा जो हार्ट अटैक होता है वो भी लेफ्ट साइड पर ही होता है।